आप सभी का स्वागत है आज के इस संवाद में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं उस आंदोलन की जिसने पूरे देश भर में तहलका मचा कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होम रूल लीग की। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिपिन चंद्र पाल जी, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी का प्रतिनिधित्व करेंगे, एवं दूसरी ओर जॉर्ज अरुंडेल जी, जो एनी बेसेंट जी का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आइए आज की चर्चा आरंभ करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न बिपिन जी से यह है कि होम रूल लीग है क्या? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इसे बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। होम रूल लीग एक ऐसा आंदोलन है जिससे हम लोगों के द्वारा सरकार से सर्वहित निर्णय लेने तथा उन्हें पूर्ण करने के लिए इस आंदोलन को रूप दिया गया, जिससे देश भी आगे बढ़ सके। अब मैं अरुंडेल जी से पूछना चाहूंगी कि इस आंदोलन के जरिए लोगों की किस प्रकार बात सुनी जा रही है। इस आंदोलन के चलते देश में कई होम रूल लीग ब्रांचेस बनाई गई, जिसमें लोग अपनी शिकायतें एवं सुझाव दे सके, जिसकी अपेक्षा हम सरकार से कर रहे हैं। जॉर्ज सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देश में होम रूल लीग लाने का क्या कारण था? एनी बेसेंट जी के होम रूल लीग का प्रस्ताव तिलक जी को अच्छा लगा, लेकिन एनी जी चाहती थी कि कांग्रेस उनका साथ दे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को इस प्रस्ताव के बारे में सोचने का समय दिया, परंतु तिलक जी ने समय व्यर्थ ना करते हुए अपना होम रूल लीग आंदोलन पहले शुरू कर दिया। उनके बाद एनी जी ने भी देश भर में अपनी होम रूल लीग शुरू कर दी। बिपिन जी, मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि सिर्फ 6 शाखाएं ही क्यों? जिस वक्त तिलक जी ने इस आंदोलन को गति दी, उस समय हमारे अधीन केवल 4 ही राज्य थे, जिसमें महाराष्ट्र, विरार, कर्नाटका एवं सेंट्रल प्रोविंस शामिल हैं। इनमें 6 शाखाएं खोली गई। इन शाखाओं में किया जाने वाला कार्य तिलक जी की निगरानी में हो रहा है। हम आशा करते हैं कि आज देश भर के नागरिकों को उनके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। तो हमारी आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।